गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल दुनिया देखो ए टू जेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम हैं गोवा में। पिछले दो दिन से हम यहाँ गोवा में बहुत मस्ती और एक अच्छा टाइम बिताने के बाद यहाँ से आज जा रहे हैं अलीबाग, जिसकी दूरी यहाँ से 580 किलोमीटर है। और इस बार हम अलीबाग वाया NH66 हाईवे से जाने वाले हैं। यही NH66 मुंबई टू गोवा का पुराना कोस्टल रोड है, जिस पर हम फर्स्ट टाइम ड्राइव करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा रोड का ड्राइविंग और एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जैसे जैसे हम ड्राइव करते करते NH66 पर आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा रास्ता बद से बदतर होता जा रहा है। सड़क खड्डों से भरी हुई है, वन वे है और इस पर बड़े बड़े ट्रक चलने की वजह से सब तरफ धूल और मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी हुई रहती है। आपको ड्राइविंग में स्पीड नहीं मिलती और यही वजह है कि हम शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन अलीबाग अभी भी 250 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और लगता नहीं है कि इस गंदे और टूटे फूटे रास्ते में हम रात को ड्राइव कर पाएंगे। ये सब देखते हुए हमने प्लान किया कि रात को हम ड्राइव नहीं करेंगे और आसपास में यहीं कहीं रात बिताकर सुबह यहाँ से निकलेंगे। गूगल करके देखा तो पता चला कि चिपलू नाम की एक जगह है जहाँ पर हम लोग रात बिता सकते हैं। तो हमने इस इको रिसोर्ट में जाने का फैसला किया और जिसका नाम है डोंगरमाथा, जिसका मतलब होता है हिल टॉप। डोंगरमाथा मराठी शब्द है और जिसका मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। और ये स्पेशली इको रिसोर्ट है और 500 मीटर की हिल पर बने हुए इस रिसोर्ट पर जैसे ही हम ड्राइव करके पहुँचे, बिल्कुल सनसेट होने का टाइम था, जहाँ से हमने सनसेट का व्यू देखा। साथ ही साथ हम आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था सनसेट का, वो देखते बन रहा था। अब हम आपको इसके अलावा यहाँ के इस रिसोर्ट का पूरा व्यू, कमरे का व्यू भी दिखाएंगे। इस ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली रिसोर्ट में हमारा स्टे का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के जो होस्ट थे बिल्कुल हमें फैमिली मेंबर के जैसे ट्रीट कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल नेशनल पार्क के पास में रहते हैं ना, तो बिल्कुल यही एम्बियंस है उसका, क्योंकि मेरे बेडरूम से पूरा यही दिखता है। हम लोग मॉर्निंग वॉक नेशनल पार्क में करते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रेल वॉकिंग करने की हैबिट है। लेकिन यहाँ पर क्या, अभी हम लोग ऊटी गए ना, तो वहाँ पर पूरा रास्ता स्टेप भरा है। और उसके बाद हम लोग अभी आ रहे कहाँ से आ रहे, साउथ में इतना चार स्टेट घूम गए ना। अभी हम लोग लास्ट अपना स्टेट गोवा से आ रहे हैं। मॉर्निंग हम लोग निकले थे, एक्चुअली हमें जाना है अलीबाग, बट अलीबाग जाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि ये रास्ता बहुत खराब है। हम लोगों ने देखा पूरा सिंगल वे है और प्लस कच्चा है पूरा, तो फिर हमने सोचा कि बीच में स्टे करना सही रहेगा। इसका नाम एग्जैक्टली क्या है? डोंगरमाथा, डोंगर मींस हिल टॉप, पहाड़ और हिल और उसके ऊपर टॉप पे है ना, तो डोंगरमाथा। डोंगरमाथा मराठी में डोंगरमाथा मतलब इंग्लिश में माथा, डोंगर माथा, हिल टॉप। माथा या मार्था? माथा। अच्छा, डोंगर माथा, हेड टॉप, सब सब सर सर। ओके, हेड हेड। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। वेलकम के लिए, वेलकम में चाय और बिस्किट दिए, चाय बहुत अच्छी है, अदरक वाली, बहुत
अच्छा कलेक्शन है सब। आपको मोदक मालूम है तो उसका वो मोदक का है, मोदक मालूम है अच्छा ओके चावल से जो बनता है गणपति गणपति ये हमारे मापते बोल रहे मतलब खराब करने के लिए क्योंकि हम लोग भी नानी दादी के घर पे ऐसा है गांव में जाते थे ना और एक मिठाई ये है ये भी नापने के लिए नहीं तो? ये देखो होल से इसमें तो राइस है और सब कुछ बारीक वॉश करने के लिए स्ट्रेनर के लिए हाँ स्ट्रेनर अच्छा कलर और ये ऊपर वाला है ना उससे ये अपना नूडल्स मतलब राइस का शेवी अच्छा मालूम है मीठा वाला तो बनाते हैं वो है और कुछ कुछ चीजें क्योंकि जब हम लोग भी छोटे छोटे थे ना नानी के घर पर जाते थे तो ये सब चीजें हैं उनके वहाँ पर भी कलेक्शन है सब चीजें तभी यूज कर रहे थे वो लोग पहले से ना और वो स्टोरेज के लिए अपना ग्रेन स्टोर अभी जो प्लास्टिक इसमें सब जल्दी खराब हो जाता है तो उसमें फिर वो निकालने के लिए मेजर करने के लिए इसमें छोटा बड़ा चीज सब साइज Over how long you all this has been collected? 1 second. 5 years. 5 to 6 years. Oh great! Every season you get something. Feathers, birds, feathers, you know. There are lots of birds also here. In the morning you will find lots of birds. Beautiful. Hey Chiku, hornbills also. Lot of birds are there. हम्म अच्छा है ना लोगों का बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज और टाइम पास है ना उनका